चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ टू इन द फॉलोइंग. प्लेस वैल्यू आपके पास सिर्फ एक डिजिट की लिखनी है. अब हमें अच्छे से याद हो चुका है डेसिमल के बाद अगर प्लेस वैल्यू आती है तो हमें डिवाइड करना होता है जीरोस से. जैसे कि फर्स्ट डिजिट होगा डेसिमल के बाद तो आप 10 से डिवाइड करेंगे, सेकंड डिजिट होगा तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, थर्ड डिजिट होगा तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे. इसी तरह से अगर हमारी प्लेस वैल्यू यूनिट्स के डिजिट पर आती है यानी डेसिमल के बाद डेसिमल से पहले वाले जो डिजिट्स हैं तो उन्हें कैसे लिखना होता है वो आपको पहले से आता है. अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं. हमें 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 यूनिट्स है तो ये ही रहेगी, है ना. अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 21 तो फिर 20 होती, यहाँ पर सिर्फ 2 है तो यूनिट्स का डिजिट है एक ही है 2 हो गया. अब यहाँ पर है 21 तो इसका मतलब 2 और जो सेकंड प्लेस है मतलब जो यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग 0 आ गई. मान लीजिए ये होता 235 होता तो फिर हमें क्या प्लेस वैल्यू लिखनी होती, 200 लिखनी होती. जितने डिजिट्स हैं ना आगे उतने ही ज़ीरो लगाने होते हैं, है ना. तो ये हो गई प्लेस वैल्यू यहाँ पर. अब इसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, ये डेसिमल के बाद है इसका मतलब आप डिवाइड करके लिखेंगे यानी कि आप इसे लिखेंगे 2/10. 2/10 क्यों, क्योंकि पहला डिजिट है तो आप 10 से डिवाइड करेंगे, सेकंड होगा तो आप 100 से डिवाइड करेंगे. अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर 2 सेकंड डिजिट है यानी अब की बार आप डिवाइड करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 2/100. अब ये डेसिमल के बाद हमारा थर्ड डिजिट है तो ये डिवाइड होगा 1000 से तो ये हो जाएगा 2/1000.